मेरे कुछ बच्चे अपने घर परिवार से बहुत दूर एक नई ज़िंदगी जीने गए थे, कुछ अच्छा बड़ा करने का सोच कर गए थे, पैसे भी कमाने का सोच कर गए थे। जिस साथी के साथ उन्होंने सोचा था कि पल बहुत अच्छे बीतेंगे, वहाँ से बहुत धोखा मिला है। सोचा था कि ये खूबसूरत सुबह होगी, पर अंधेरे वो गायब ही नहीं हो रहे। पर सुनो, तुम बहुत मजबूत हो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है ना, तो मत हुआ करो। कोई तुम्हें चढ़ाने की कोशिश करता है, मत चढ़ा करो। मेरा नाम जाप शुरू कर दिया करो, ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम, ऐसा करना शुरू करो तो तुम इतने मजबूत हो जाओगे ना, तुम देखना, और वो मजबूर हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम किसी की हानि नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारी सबूरी की भी सीमा है। बहुत कष्ट झेल रहे हो, लेकिन ये कष्ट भी ठीक हो जाएगा। वही मेरे कुछ बच्चे हैं जिन्हें नए मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन वो मोह माया से ऊपर उठ नहीं रहे। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। थोड़े समय के लिए त्याग करो और फिर इकट्ठे साथ मिलकर सब रहना। ऐसे जिद करोगे तो समय की बर्बादी होगी, क्योंकि जिस समय जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है वही तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो जो मौका मिला है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। और सुनो, तुम रोज़ भगवान जी को प्रणाम करते हो, बहुत कुछ चढ़ाते हो, मेवे मिश्री फल फूल, लेकिन उसे अगले दिन हटाने का और उसे सही जगह पर रखने का काम भी तुम्हारा ही होना चाहिए। अगर तुम फल चढ़ाते हो तो फिर ये देखो कि वो अगले दिन बर्बाद ना हो, उस प्रसाद को सब स्वीकार कर लें। और यदि तुम फूल चढ़ाते हो तो अगले दिन उन फूलों को वहाँ से हटाओ, साफ रखो। जैसे तुम्हें अपने बिस्तर साफ करके सोने की आदत है ना, वैसे ही तुम्हारे घर पर जितने भी विराजित हैं देवी देवता, उन्हें भी साफ सुथरे रखा करो। तभी वो तुम्हारे पास अच्छे से आराम से रह पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। जिसकी श्रद्धा है ना, उसके लिए दिन तो दिन रात तो रात, जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तब वैसा हो जाता है। श्रद्धा बनाए रखो, सबूरी तो सीख जाओगे। खुश रहो।